हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग्स विद सृष्टि माँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था लास्ट, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग है। ये मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, बच्चे देर से सो के उठे थे, तो शिवाय ने तंग करके रखा था कि पिज़्ज़ा ही खाना है आज। तो फिर दीदी ने कहा चलो ब्रेकफास्ट में यही बना देती हूँ, क्योंकि शाम को आज हम लोग को जाना था सीतापुर, मतलब मेरे घर मायके, तो मतलब मुझे जाना था। तो यहाँ पे देखिए दीदी पिज़्ज़ा बना चुकी थी, बच्चों को दे दिया था, बच्चे खा रहे थे। जैसे जैसे बनता जा रहा था, बच्चों को मिल रहा था कि खाते जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए शिवाय है, कार्तिक है, और निश्चय भी बैठा हुआ है शायद उधर। तो बस ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को आज ज़्यादा टाइम नहीं था, लग रहा था कि जल्दी जल्दी से सब कर लो, थोड़ा सा टाइम बैठ भी लेते हैं, क्योंकि शाम को जाना था। तो छोटी वाली दीदी आई थी, ये देखिए यहाँ पे हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम लोगों ने चाय भी रख रखी थी, तो हम लोग कह रहे थे कि देखो यहाँ पे कौन चाय कौन पीता है पिज़्ज़ा के साथ। बट हम लोगों ने बना ली थी, पी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन रख ली थी। तो बस वही है। तो शाम को वही छोटी दीदी आने वाली है और मम्मी, तो वो लोग आएंगी तो मुझे यहाँ से लेके फिर घर जाएंगे, मुझे छोड़ने के लिए मतलब। तो मम्मी और मैं सीतापुर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग यही बात कर रहे थे कि चाय कौन पीता है देखिए पिज़्ज़ा के साथ। तो चाय हम लोगों ने बना ली थी, लेकिन हम लोगों ने खाने के बाद ही पी थी। तो बस यहाँ पे ऐसे ही निश्चय की लोगों की क्लास भी चलती रहती है, तो ये लोग कॉपी भी लेके बैठते रहते हैं और ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। इन लोग का रहता है यही। फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद बारिश हो रही थी, वही मैंने कहा कि देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब उस दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, पूरा दिन ऐसे ही था, मौसम ठंडा था, सुबह से ही मौसम अच्छा हो गया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे, बैठे हुए थे, तो फिर वैसे भी मैंने कुछ किया नहीं था, दीदी खाना वाना बना रही थी। यहाँ पे देखिए पिक्स क्लिक करवा रहे हैं सब बच्चे कि अब जाना ही है, तो चलो थोड़ी सी मौज मस्ती और कर ली जाए। ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं, शिवाय बहुत रोता है, ये लोग परेशान करते हैं, शिवाय रोते हैं। ये देखिए मेहंदी मैंने कहा शेयर करती हूँ आपके साथ, ये मैंने लगाई है, मेरे ही हाथ में लगी हुई है, और दीदी के हाथ में भी लगाई है, दीदी के तो दोनों हाथ में लगा दी थी, तो एक दिन पहले लगाई थी नाइट में, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो पिक्स लेकिन मैंने आज ले ली थी, मैंने कहा शेयर कर देती हूँ, उस मेरे एक दिन पहले तो मतलब ब्लैक नहीं हुई थी, रची नहीं थी, तो ये देखिए अगले दिन इतनी अच्छी हो गई थी। तो बस ऐसे ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी हम लोगों ने। फिर ये जाने के टाइम का शाम हो गई थी, हम लोग रेडी हो गए थे हम और शिवाय। तो बस दीदी ऐसे ही, हम लोग के पास खाली टाइम था, चाय वगैरह भी पी लिए थे, मम्मी लोगों का वेट कर रहे थे, तो दीदी यहाँ पे पिक्स ले रही थी कि चलो जाते टाइम भी एक फ़ोटो एक दो ले लिया जाए। तो बस ऐसे ही हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सैड भी थी दीदी, अच्छा नहीं लग रहा था, कहती कि सब अभी 2-3 दिन से हैं हम लोग, फिर जब जाते हैं आते टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर जाते टाइम सब सैड हो जाते हैं। तो बस ये देखिए मम्मी लोग बस पहुंचने ही वाली थी, हम लोग वेट कर ही रहे थे, और फिर निश्चय देखिए निश्चय जा रहे थे ट्यूशन पढ़ने, उनके सर आ गए थे, तो बस ये लोग चले गए थे। ये देखिए यहाँ पे दीदी और मम्मी आ चुके थे, देखिए दीदी बिल्कुल रो रही थी, हम लोग जा रहे थे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता कोई जाता है। तो फिर दीदी ने कहा चलो एक और फ़ोटो ले लेते हैं हम तीनों की। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।